भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहा जाता है। इस राज्य में 30 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, मतलब एक ही राज्य में इतनी भाषाओं का संगम भी इसे अलग और खास बनाता है। अरुणाचल प्रदेश अपने पर्यटन के लिए खासा प्रसिद्ध है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिटेल से बात करते हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत काम की है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें अपने देश के बारे में जानना अच्छा लगता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का फिनलैंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो भाषा के मामलों में सबसे ज़्यादा खास है। यहाँ वांचो, तागिन, डाफिया जैसी 30 भाषाएँ बोली जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस राज्य की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। जी हाँ, भारतीय संख्यों की वजह से यहाँ कई लोग हिंदी भी बोलते हैं। चूँकि यह राज्य चीनी बॉर्डर से जुड़ा है इसलिए यहाँ कुछ लोग चीनी भाषा भी बोलते हैं। टूरिज्म के लिए खास है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको साफ हवा मिलती है क्योंकि यहाँ पर 80% इलाका जंगलों से घिरा है। इसके साथ ही सर्दियों के मौसम में यह बर्फ से घिर जाता है, तो एक ही जगह पर आपको साफ हवा और बर्फ भी मिल जाती है, इसलिए यह बेस्ट टूरिज्म प्लेस हो सकता है किसी के लिए। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य है। यह 83,743 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है। अगर आप 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ देखिए, आपको 7 सिस्टर्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पे वापस आते हैं। तो यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत और साफ हैं कि यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप फिनलैंड या स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, मतलब कि आपको विदेश ट्रैवल का मज़ा भारत में ही मिल जाएगा। भारत के इन राज्यों में 200 से ज़्यादा स्तनधारियों की प्रजातियाँ मिलती है जो भारत में कहीं और नहीं मिलती है। यहाँ आने के लिए सिर्फ विदेशी टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि कई इलाकों में जाने के लिए भारतीय टूरिस्ट को भी परमिट लेना पड़ता है। भारतीय टूरिस्ट को इनर लाइन परमिट यानी ILP लेना पड़ता है। यहाँ स्तनधारियों और वन्य जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, यही कारण है कि इनकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे इस राज्य में कई भाषाएं बोली जाती है वैसे ही यहाँ कई जनजातियों के भी भरमार है। यहाँ 26 प्रमुख जनजातियाँ हैं और उनके अंतर्गत 100 से ज़्यादा छोटी जनजातियाँ शामिल है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग है। यहाँ 400 साल पुरानी तवांग मॉनेस्ट्री है, ये दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। इससे बड़ी सिर्फ तिब्बत की पोटाला पैलेस है। ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत बौद्ध मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं उनमें से कई तो सदियों पुराने हैं। मैलिंथन के मंदिर 10वीं सदी के माने जाते हैं और वहाँ की एक लोक कथा के अनुसार द्वारिका नगरी जाते समय कृष्ण और रुक्मणी ने यहाँ विश्राम किया था। इस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यहाँ की 80% जनता कृषि कार्यों में लगी हुई है। यहाँ धान मुख्य फसल है, इसके अलावा मक्का, गेहूँ, दाल, सरसों, मिर्च, कपास और अदरक आदि जैसी फसलों की उपज होती है। फलों में यहाँ अनानास, संतरा, नींबू, जैतून, पपीता, केला, अमरूद, सेब, बेर, नाशपाती, चेरी और बादाम की भी उपज होती है। तो है ना ये अनोखा और खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश। अपने जंगल, हरियाली, बर्फ की ढकी चोटियों और ऊंचाई वाले घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। पहले इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। नंबर 2, मैकमोहन रेखा यहाँ चीन और भारत के तिब्बती क्षेत्र के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। इस लाइन की पूरी लंबाई 890 किलोमीटर है। नंबर 3, यहाँ का नमदाफा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ पर बिल्ली की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और बादल तेंदुआ। नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश को भारत में आर्किड पैराडाइज, वनस्पति वैज्ञानियों का स्वर्ग और उगते सूरज की भारत भूमि भी कहा जाता है। नंबर 5, यहाँ का ढोला सदिया ब्रिज भारत का सबसे लंबा कनेक्टिंग ब्रिज है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। तो अगर आप यह वीडियो अब तक देख रहे हैं तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने देश के बारे में और जानना चाहते हैं। तो अगर आप असम राज्य के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम किस स्टेट, यूनियन टेरिटरी या कंट्री के बारे में बात करें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप इस वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।